हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं एडी और एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं सुंदर वाला महल, जो जैसा कि नाम है सुंदर वैसा ही ये सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। और दोस्तों जिस जगह सिचुएटेड है उस जगह का नाम भी है सुंदर नर्सरी। तो आइए दोस्तों मेरे साथ देखिए सुंदर वाला महल। दोस्तों सुंदर वाला महल की पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है। इस इमारत का निर्माण 16वीं सदी में मुगलों द्वारा किया गया है। आप पूरी डिटेल इस पर पढ़ सकते हैं। इस चकोर मकबरे की कब्रगाह के चारों तरफ 8 कमरे हैं जो हश्त बहिश्त यानी 8 कुरानी जन्नतों को दर्शाते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं सुंदर वाला महल देखने के लिए। चलिए दोस्तों चले हैं सुंदर वाला महल के अंदर। ये इसमें एंट्री करने के लिए गेट है, छोटा है, थोड़ा सा नैरो है, झुककर जाना पड़ेगा। हम अंदर आ गए हैं सुंदर वाला महल के अंदर। और सबसे पहले दोस्तों ये देखिए छत ज़्यादा ऊंची नहीं है। अष्टकोणीय ये इमारत काफ़ी खूबसूरत बनी हुई है। आठ जन्नतों को दर्शाता ये एक अष्टकोणीय इमारत है सुंदर वाला महल। देखिए एक कुत्ते ने भी अपना डेरा डाला हुआ है। आप देख रहे होंगे कि मैं चारों तरफ घूमता ही जा रहा हूँ, कक्ष पे कक्ष, कक्ष पे कक्ष। और शायद यहाँ अंदर एक गेट लगाया हुआ है, शायद नीचे कुछ कब्र होंगी, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं आप देख सकते हैं। इस तरफ चलते हैं दोस्तों, आप घूमते ही जाएंगे, अंदर घूमते ही जाएंगे। बहुत ही सुंदर ये बना हुआ है। ऊपर आप देखेंगे वाइट कलर किया हुआ है, सरकार ने इसको बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। कुछ समय पहले इसकी हालत इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन अब बहुत ही अच्छी स्थिति में है। छोटे छोटे दरवाजे हैं जहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं। ये देखिए मैं बाहर आ गया हूँ। ऊपर देखिए ये रोशनदान। फिर से अंदर चलते हैं, थोड़ा सा अंधेरा ज़रूर है दोस्तों लेकिन आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। जगह जगह आले बनाए हुए हैं आप देख सकते हैं। कुछ भूल भुलैया जैसा है ये। ये देखिए काफी सारे रास्ते इसमें बने हुए हैं निकलने के लिए, अलग अलग कक्ष, एक कक्ष से दूसरे कक्ष में प्रवेश किया जा सकता है।
अगर ये दरवाजे सारे खुले हुए हों तो आपको ये पता लगाना मुश्किल है कि आप कौन से दरवाजे से अंदर आए थे। जैसा मैंने कहा, ये भूल भुलैया टाइप में रोशनी उतनी नहीं है, अपर्याप्त है। ये देखिए, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ इस तरीके से ये गेट बने हुए हैं। ये देखिए, और ये कक्ष, वाकई में बहुत खूबसूरत ये बना हुआ है। अब मैं इसके अंदरूनी कक्ष में हूं, पहले मैं बाहर की तरफ था। ये देखिए, जैसा कि नाम है, सुंदर वाला महल। दोस्तों, बना हुआ भी ये वैसे ही है, बहुत ही सुंदर बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। आठ जन्नतों को दर्शाता ये अष्टकोणीय है, एक मकबरा, एक इमारत। यहाँ से सुंदर वाला महल में ऊपर छत पे जाया जा सकता था, यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं आप देख सकते हैं, लेकिन अब इस पे ताला लगाया हुआ है तो ऊपर नहीं जाया जा सकता। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जब भी कभी आप सुंदर नर्सरी आएंगे, सुंदर नर्सरी देखने आएंगे, तो इस सुंदर वाला महल को ज़रूर देखेंगे और इस ऐतिहासिक मुग़ल इमारत को नज़दीक से जानने का प्रयास करेंगे क्यों इसे आठ जन्नतों का प्रवेश द्वार कहा गया है, क्यों इसके बीचों बीच कब्रगाह बनाई गई है। संभवतः ये जितनी भी कब्र इसके बीचों बीच बनी हुई हैं मुग़ल परिवारों की रही होंगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सुंदर वाला महल पसंद आएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलते हैं।